गुलाब जल स्किन के लिए एंड आईज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उसको बनाने के लिए हमें एक बाउल में वाटर लेना है एंड 7 to 8 फ्लावर्स के पेटल्स निकाल के हमें इसे 2 to 3 टाइम्स वॉश करना है अच्छे से एंड स्ट्रेन करना है छलनी से। 5 मिनट्स के लिए इसे स्ट्रेन होने दीजिए ताकि पूरा पानी इसमें से निकल जाए। गैस पे हमें एक बड़ा भगोना लेना है। अब इसमें रोज़ पेटल्स अच्छे से स्प्रेड करना है एंड बीच में से थोड़ा हॉलो पोर्शन रख के इसमें रिंग बिठानी है जो कि स्टील रिंग होनी चाहिए। इसमें 1 ग्लास वाटर ऐड करिए, अप्रॉक्सीमेट 300 ml। रिंग के ऊपर हमें एक छोटा बाउल लेना है, आप ग्लास बाउल भी ले सकते हो। हमें इसमें उल्टा लीड ढकना है एंड वो डीप रहनी चाहिए ताकि इसका इवोपरेशन एंड वाटर कलेक्शन बाउल में अच्छे से हो जाए। इसमें 10 टू 12 आइस क्यूब्स डालना है एंड फ्लेम ऑन करना है। 5 मिनट्स तक हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है एंड देन 10 मिनट्स लो फ्लेम पे रखना है। 10 टू 15 मिनट्स बाद आप लीड खोल के देखोगे तो वाटर कलेक्ट हो चुका है बाउल में। अब हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देंगे। बचा हुआ भगोने में जो पानी है एंड पेटल से उसे हम स्ट्रेन करके पानी अलग कर देंगे। लेफ्ट ओवर पानी से वैराइटीज ऑफ फेस पैक क्रिएट हो सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये वाटर को हम 1 वीक तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। फ्लावर पेटल्स का भी हमें कैसे यूज़ करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठंडा होने पर रोज़ वाटर को हमें एक क्लीन बॉटल में फिल करना है। फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आप रेफ्रिजरेटर में 1 ईयर तक स्टोर कर सकते हैं। अभी ये रोज़ वाटर रेडी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।